नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिंगवर्म इन्फेक्शन अगर हुआ है, किसी को दांत की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, तो ऐसे में क्या स्टीरोइड क्रीम का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिंगवर्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। रिंगवर्म को दांत कहते हैं। ये जो डर्मेटोफाइटिस फंगस होती है उससे फैलता है। एक्चुअल में अगर सिम्टम्स की बात करें तो जिस जगह पर भी रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वहाँ लाल गोलाकार चकते हो जाते हैं जिसमें रेडनेस, इचिंग इत्यादि महसूस होती है, लेकिन इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन नहीं होती। इसीलिए स्टीरॉयड क्रीम को रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन फिर भी लोग रिंगवर्म यानी कि दाद यानी कि फंगल इन्फेक्शन में भी स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन केस ऑफ रिंगवर्म स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाई स्टीरॉयड क्रीम्स आर नॉट रिकमेंडेड, मतलब कि स्टीरॉयड क्रीम को क्यों सलाह नहीं दी जाती है कि रिंगवर्म इन्फेक्शन है तो आप यूज़ करें। सबसे पहला रीज़न है मास्किंग सिम्टम्स। मास्किंग सिम्टम्स का मतलब है कि लक्षण छुप जाते हैं। जब भी आप रिंगवर्म इन्फेक्शन के अंतर्गत उस जगह पर, जिस जगह पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, स्टीरॉयड क्रीम लगाते हो तो जो कुछ भी वहाँ पर रेडनेस होती है, इचिंग की परेशानी होती है, वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जो फंगस का ग्रोथ हुआ है, वो जैसे का तैसा ही रहता है। आपको ऐसा लगता है कि फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, आप बेफिक्र हो जाते हो, जो कोर्स आप कर रहे हो उसे बीच में छोड़ देते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, और आप वो दो तीन दिन स्टीरॉयड वाली क्रीम लगाते हो, उसके बाद आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो। तो ऐसे में जहाँ फंगस का ग्रोथ जैसे का तैसा ही है, तो फंगस ग्रोथ आगे बढ़कर थोड़ा सीवियर हो जाता है। पहले मॉडरेट होता है, फिर सीवियर हो जाता है, तो सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी आप फंगल इन्फेक्शन के अंतर्गत स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हो, तो सबसे पहले तो जो उसके लक्षण होते हैं वो छिप जाते हैं और सीवियर इन्फेक्शन की तरफ आप चले जाते हो। दूसरा होता है टीनिया इनकोग्निटो। टीनिया इनकोग्निटो का मतलब है कि जो टीनिया यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन का जो स्वरूप है, जो दांत का स्वरूप है, उसका असली रूप ही बदल जाता है, जिससे डॉक्टर को इन फ्यूचर डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो ऐसे में जब भी आप स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हो, तो जो उसका असली रूप होता है फंगल इन्फेक्शन का, वो छिप जाता है, जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में तकलीफ होती है। तीसरा होता है लोकल इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज, मतलब कि लोकल इम्यून रिस्पॉन्स जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग करते हो, तो वहाँ का जो लोकल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जितना भाग है वो ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है और सीवियर भी हो सकता है। ये तीन मेन रीज़न हो जाते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे में स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, बात तो हो गई कि स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को रिंगवर्म इन्फेक्शन है तो उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यानी कि जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है रिंगवर्म की, वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जिस जगह पर रिंगवर्म हुआ है, दाद हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर टॉपिकल एंटीफंगल, टॉपिकल मतलब कि जो एक्सटर्नल यूज, जो स्किन पर लगाने वाली जो क्रीम होती है, ऑइंटमेंट होता है, उसे हम टॉपिकल कहते हैं। टॉपिकल एंटीफंगल जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, टर्बिनाफिन, मिकोनाजोल, किटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल एक्सेट्रा, ये जो भी मेडिसिन होती है, जो भी क्रीम होती है, उसे आप टॉपिकल यानी कि एक्सटर्नल तौर पर लगा सकते हो। अगर इन क्रीम से अच्छा नहीं हो रहा है, आप कोई भी ओटीसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ओटीसी मेडिसिन ले रहे हो, फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एंटीफंगल ओरल, ओरल मतलब कि जो गोली होती है, कैप्सूल होती है, जो मुँह से लेनी होती है, इस प्रकार की जो भी एंटीफंगल मेडिसिन होती है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल इत्यादि, तो ये आप ले सकते हो। लेकिन ये जो कुछ भी ओरल ट्रीटमेंट होती है, वो आपको डॉक्टर के निगरानी में ही करनी है, मतलब कि यह दवाई लेने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि कोई भी दवाई हो, स्टीरॉयड हो या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन हो, डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना या फिर फार्मासिस्ट से पूछे बिना कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इस बात के बारे में जानकारी ली कि अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है, तो उसे स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें प्योर जो एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट होती है उस पर ही उसे रिलाई करना होता है, और
जो डॉक्टर जिस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं उस प्रकार से ही उसे स्टार्ट करनी है और पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि ये जो रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है वो जड़ से खत्म हो जाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।